To run in class 9 English, Bihai book, poem 5, A Legend of the Northland. Northland का एक काव्य, इसके लेखक हैं ओबे कैरी. This poem narrates the legend of a lady to an arch Saint Peter because of her greed. यह कविता एक वृद्धा का मिथक काव्य का वर्णन करती है जिसने संत पीटर को अपने लालचीपन के कारण नाराज कर दिया था. ठीक है, तो इसकी जो कविता है इसके बारे में चलते हैं, स्टैंजा वन पे आते हैं. ठीक है, तो स्टैंजा वन. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हॉर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. That they cannot sleep them too. तो कविता की जो है चार पंक्तियां ये हुई. इसका मतलब है कि दूर, बहुत दूर, एक नॉर्थलैंड एक देश का नाम है. तो नॉर्थलैंड में जहाँ दिन क्या है, छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी, कि लोग सारी रात सोकर नहीं बिता सकते. Stanza 2. Where they harness the swift render reindeer to the sledge when it snows and the children look like deer's cubs if they are funny, furry and close. जहाँ ये तेज धावक रेंडियर की सैर करते हैं, बर्फ गाड़ी से बांधकर जब बर्फ गिरती है और बालक रीच के बच्चों के अपने मजेदार फर वाले कपड़ों में दिखते हैं. Stanza 3. They tell them a curious story I don't believe. It's true, and yet you may learn and listen if I tell the tale of you. एक बार जब संत ये वे उन्हें एक अजीब कहानी सुनाते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं कि ये सच है, और तो तुम भी इससे एक सीख ले सकते हो. कि क्या ये कहानी तुम्हें सुनाऊं? स्टैंजा 4. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रेसिंग जस्ट एज ही डिड यू. मतलब एक बार संत पीटर जब वे इस दुनिया उस दुनिया में थे, तो जैसा कि तुम जानते हो और जैसे कि आदत उनकी थी, वो हमेशा उपदेश देते रहते थे. स्टैंजा 5. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. एक बार वे कुटिया के द्वार पर आए जब वे पृथ्वी के चारों ओर यात्रा पर थे, जहाँ एक छोटी औरत एक केक बना रही थी और उसे एक भट्टी में पका रही थी. स्टैंजा 6. एंड बीइंग स्पेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. यानी और उपवास के कारण वे मूर्छित हो रहे थे क्योंकि दिन लगभग बीत चुका था. उन्होंने उसके केक स्टोर से केक मांगा कि वह लाकर उसे केक दे दे. So she made a very little cake, but as the baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. इसलिए उसने बहुत एक
छोटा केक बनाया, लेकिन जब वह पक रहा था उसने उसकी ओर देखा और सोचा कि लगता है कि वह देने के लिए ज्यादा बड़े साइज का है। Stanza 8, therefore, she needed another, a still smaller one, but it looked when she turned it over, a large as the first head done. इसलिए उसने दूसरा मतलब आटे को किया और एक और वह छोटा था किंतु उसे पलटते समय लगा कि वह पहले केक के समान ही बड़ा। देखिए स्टूडेंट, इसके आठ स्टैंजा आपने पढ़े, सीखे और देखे, जिसमें जिस स्टैंजा में मैंने जिस शब्द में मैंने अंडरलाइन की है आपको वो डिफिकल्ट वर्ड में होमवर्क दे रही हूँ, ये लिखना है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट है हार्नेस, स्विफ्ट, क्यूरीज, हर्ड, नीडेड, डव, प्रोवोक, ज्वेल, स्कैंची, स्कॉर्लेट एंड रीजेंट। ठीक, इसके अलावा वो आपको अंडरलाइन वाले इसमें लिखने हैं। ओके, आपको ये नोट करना है अपनी नोटबुक में और अच्छे से याद करना है।